Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia Colleges, Sialkot. Today we are going to learn the book Principles of Commerce, जो कि English में Principles of Commerce है और उर्दू में असूल तजारत है. इसको हम पढ़ने जा रहे हैं और असूल तजारत के हम लोगों ने डिफरेंट वीडियोज़ हमने इस पर बनाई हैं और डिफरेंट चैप्टर्स को हमने कवर करने की कोशिश की है, डिफरेंट टॉपिक्स को हमने पढ़ा है. आज जिस टॉपिक को हमने पढ़ना है उसको उसका नाम है दफ्तरी कारकुन के औसाफ. आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है दफ्तरी कारकुन के औसाफ, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑफिस वर्कर. क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑफिस वर्कर ये जो आपका टॉपिक है, इसमें बेसिकली आपको बताया जाएगा कि आपकी जो भी अगर आप एक दफ्तरी कारकुन हैं और आप किसी दफ्तर में काम करते हैं या किसी भी इदारे में आप काम करते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप में क्या क्या औसाफ होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है और उसको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे. देखें, जैसे यहाँ पे बताया गया है, आपके सामने नज़र आ रहा है आपको कि पेज नंबर 503 पे सबसे पहले हमारे पास ज़ाती औसाफ जो हैं वो बताए गए हैं. ज़ाती औसाफ में आप देखें कि उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया है कि सबसे पहले किसी भी जो दफ्तरी कारकुन है उसके जो औसाफ होते हैं, सबसे पहले उसके ज़ाती औसाफ की बात की जाती है कि उसके पर्सनल जो उसमें क्वालिटीज़ हैं सबसे पहले उनकी बात की जाती है कि किसी भी इंसान में पर्सनली क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या औसाफ हैं जो पाए जाते हैं. तो उसमें हमने सबसे पहले जो है जिस चीज़ को देखना है वो आप देखें कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है मेहनती, यानी जो भी आपका नुमाइंदा है, जो भी आपका दफ्तरी कारकुन है, सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, उसको मेहनती होना चाहिए. क्योंकि वो मेहनती होगा, जितना ज़्यादा हार्डवर्कर होगा उतनी ही लगन के साथ और उतनी ही हार्डवर्क के साथ वो अपने काम को परफॉर्म करेगा और वो कोशिश करेगा कि जी. तो दफ्तरी कारकुन के हम लोग ज़ाती औसाफ में जो हम इसकी मेहनती इसको पढ़ रहे हैं तो देखें कि मेहनती होना चाहिए सबसे पहले तो दफ्तरी कारकुन को, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, उतना ही ज़्यादा जो है उसके लिए अच्छा होगा, बल्कि सबके लिए ये बेनिफिशियल होगा. और वो कोशिश करेगा कि अपने काम को, अपने जो भी उसका काम है उनको अपने आवर्स में पूरा करने की कोशिश करे. जो भी इसके ड्यूटी आवर्स हैं वो अपना काम लेफ्ट ओवर काम नहीं रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज का काम आज ही करना चाहिए, उसको कल पे नहीं डालना चाहिए. तो इसी तरह से ये है कि वो बंदा भी जो है कोशिश करेगा कि अपने काम को मैनेज करे प्रॉपर तरीके से और विद इन द ड्यूटी टाइम ड्यूटी आवर्स विद इन द टाइम अपने काम को ख़त्म करे, आज का काम कल पे ना डाले. और ये सिर्फ एक हार्ड वर्किंग बंदा जो होता है ना वही आपके ऑफिस को मैनेज कर सकता है. और आपके अगर आपका ऑफिस मैनेज्ड है, अगर आपका ऑफिस प्रॉपरली मैनेज हो रहा है तो इट मीन्स कि आप अपने इदारे को एक नई उस पर लेके जा रहे हो, तरक्की की राह पे लेके जा रहे हो और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रहे हो और अपने इदारे का नाम जो है, आपके इदारे का नाम भी इससे रोशन होता है और आपकी गुडविल क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पे हार्ड वर्कर लोग जो हैं आपके इदारे में अगर आते हैं, काम करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस. तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर हम बात करें तो देखिए, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है कि वहाँ पर मेहनती बंदा जो है उसकी तरह से एक बिज़नेस की पहचान होती है, बल्कि वो ना सिर्फ अपने बिज़नेस की पहचान बनाता है, अपने बिज़नेस के लिए गुडविल क्रिएट करता है, बल्कि उसकी अपनी भी, उसकी पर्सनल भी एक गुडविल क्रिएट होती है. तो ये एक बड़ा अच्छा जो है आपके दफ्तरी कारकुन के लिए ये चीज़ होती है कि वो मेहनती हो, हार्डवर्क करो, ठीक है. इसी तरह से देखिए सेकेंड पॉइंट में उन्होंने आपके साथ डिस्कस किया है ईमानदार, के जो दफ्तरी कारकुन है उसको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा ईमानदार होगा, जितनी ज़्यादा उसके अंदर ये चीज़ होगी कि वो ईमानदारी के साथ अपने मामलात को लेके चलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये एक पॉइंट होता है कि हमें अपने काम जो हैं वो ईमानदारी से सरंजाम देने चाहिए, उसमें किसी किस्म की हमारा करप्शन या लालच या किसी किस्म की फेवरेटिज्म ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो देखें, ईमानदारी एक बहुत बड़ा आंसर है कि जो अगर आपके कारोबार में होगा तो आपका कारोबार नुकसान से बच सकता है. आपका कारोबार जो है, दफ्तरी कारकुन जो है, अगर वो ईमानदारी के साथ काम करता है, दयानतदारी के साथ काम करता है, आपने उसको पता है कि अगर मेरे ड्यूटी आवर्स हैं और मैंने उन ड्यूटी आवर्स को पूरा करना है और मैंने उन ड्यूटी आवर्स के अंदर ही काम करना है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि वो ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता है. इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 में हमारे साथ डिस्कस किया गया है काबिल एतमाद, कि जो दफ्तरी कारकुन है उसको काबिल एतमाद होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें. देखें, आपका ऑफिस जो है वो एक सीक्रेट हेड होता है, वहाँ पर आपकी सीक्रेसी होती है,
आपके ऑफिस में आपका एक पूरा का पूरा जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपके अकाउंट ऑफिस से रिलेटेड, आपके दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, हर एक की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे है। जाहिर है सबकी ऑफिस जो है वहाँ पे हर एक बंदे का पर्सनल डाटा मौजूद होता है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो आपका जो ऑफिस वर्कर है उसे काबिल एतमाद होना चाहिए, उसको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि अगर उसके पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो वो उसको लीक आउट ना करे, और अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा उसके पास मौजूद है और उसने उसको सेव किया हुआ है तो उस डाटा को लीक आउट ना करे। ऐसे ही बंदे को हम दफ्तरी कारकुन बना सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को किसी ऐसी पोस्ट पे बिठा दो कि जहाँ पे वो काबिल एतमाद ना हो और उस पर ट्रस्ट ना किया जा सकता हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है और आपकी बहुत आपकी जो ओवरऑल रिप्यूट है उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो अपने इदारे को अपनी अपने अपने काम को जो है अच्छे तरीके से सरंजाम देना, और उसमें किसी किस्म का वो धोखाधड़ी का आंसर ना हो और ईमानदारी का आंसर होना चाहिए। और दफ्तरी कारकुन को चाहिए कि वो अपने दफ्तर के खुफिया मामला जो है वो दूसरों तक ना पहुंचाए, ताकि बाद में दफ्तर को किसी किस्म की जो है वो मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि देखें, आपका बिज़नेस आपके सीक्रेट्स पर चल रहा होता है, आपके बिज़नेस सीक्रेट्स होते हैं जो कि आपको आपके बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, आपके बिज़नेस की अर्निंग को इंक्रीज़ करते हैं और आपके प्रॉफिट्स जो हैं, प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो बढ़ते हैं। तो देखें, ये सिंपल सी बात है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं, उसी सूरत में बढ़ते हैं कि जब आप पूरी की पूरी तवज्जो अपनी अपने बिजनेस को देते हैं और अपनी प्रॉपरली अपना काम करते हैं और अपना जो है हर तरह से अपने दफ्तर के जो भी आपके मालूमात हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप प्राइवेट रखते हैं, उसको लीक आउट नहीं करते। ठीक है, इसकी तरह से आप देखिए कि फोर्थ पॉइंट में उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया है खुश अहलाक के जो दफ्तरी कारकुन है वो आमतौर पर खुश अहलाक होता है, वो दूसरे जो कारकुनान हैं उनके साथ इंतहाई एक अच्छे और दोस्ताना माहौल में काम करने की कोशिश करता है, और जिसकी बदौलत जो है उसके साथी कारकुन जो होते हैं उनको एक तआवुन मिलता है, एक कॉपरेशन मिलती है, और वो कोशिश करते हैं कि हम इस इदारे में काम करें और इस इदारे की तरक्की के लिए हम जितना हो सके हम एफर्ट्स करें। लेकिन अगर किसी इदारे में आपको ऐसी फिज़ा मिलती है, ऐसा माहौल मिलता है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें उस तरह से डील नहीं किया जा रहा, हमें प्रॉपर कॉपरेशन नहीं मिल रही, हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो फिर ऐसी किसी भी जगह पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर वहाँ पर आप जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से सरंजाम नहीं दे पाते क्योंकि आपको कॉपरेशन नहीं मिलती। डिफरेंट मसले मसाइल किसी भी जगह पे रहते हुए आपको फेस करने पड़ सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप खुश अहलाक होंगे, आप कोऑपरेटिव होंगे, आप दूसरे मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा उनके ऊपर इमेज जो है आपके बिज़नेस का, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जाएगा कि वो फिर इस चीज़ से इंप्रेस होंगे कि आपका इदारा जो है वहाँ पर ऐसे लोग काम करते हैं कि जो दोस्ताना माहौल में आपके साथ काम करते हैं और आपके साथ ताउन करते हैं और आपकी मुश्किल को हल करने की कोशिश करते हैं और वो आपके मामले को और आपके मसाइल को समझते हैं। तो ये तो हमारा इस पेज पर था। नेक्स्ट आप पेज ओपन करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज पे जो उन्होंने पॉइंट यहाँ पे दिया है हमें वो देखें कि सबसे जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें उसने डिस्कस किया है खुश लिबास के, जो दफ्तरी कारकुन है आमतौर पे वो खुश लिबास होता है, और खुश लिबासी देखिए एक बहुत बड़ा आंसर है। आप देखिए कि आजकल का तो दौर ही ऐसा आ गया कि सिर्फ रिस्पेक्ट आमतौर पर आपकी उस सूरत में की जाती है कि जब आप खुश लिबास होंगे, आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे, आप साफ़ सुथरे होंगे, आपने अपने आप को आपने वेल मेंटेन किया होगा, तो आपकी एक प्रॉपर जो है रिस्पेक्ट होगी हर जगह पर। देखिए 2021 में हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, और ये जो दौर जा रहा है दौरे जदीद में, आपका उठना बैठना, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आप कौन से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप दफ्तरी कारकुन जो है उसको अपनी डेली ड्यूटी में डिफरेंट लोगों के साथ डील करना पड़ता है, डिफरेंट आउटसाइडर्स के साथ डील करना पड़ता है, डिफरेंट होते हैं लोग जिनके साथ उसको मिलना पड़ता है, तो उसका इमेज जो है वो उन लोगों पे उसी सूरत में अच्छा और बेहतर इमेज आएगा कि जब वो खुश लिबास होगा और उसने अपने आप को बेहतर तरीके से जो है एक अच्छा गेटअप उसने लिया होगा और उसका एक इमेज दूसरे बंदे की तरफ एक बड़ा प्रॉपर और अच्छा इमेज आएगा। और देखिए आपकी खुश लिबासी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है, अगर आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे, आपने अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी ऑन किया होगा, तो ये चीज़ आपके ओवरऑल आपके जो है आपका एक इमेज है उसको क्रिएट करने में, उसको बिल्ड करने में भी बहुत किरदार अदा करती है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो भी आपके कपड़ों की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जो है वो आ जाता है और आप बड़े पुरते इतमाद होके आप किसी के साथ डील करते हैं। तो अगर आपके जो खुश लिबास आप नहीं होंगे, साफ़ सुथरे नहीं होंगे, कपड़े आपने ठीक तरह से नहीं पहने होंगे, तो ये चीज़ आपकी डीलिंग में भी आपको डिस्टर्ब करेगी कि आप प्रॉपर तरीके से एक तो आपका इमेज अच्छा नहीं जाएगा और एक आप प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर पाएंगे अपनी पार्टी के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए खुश लिबास होना भी दफ्तरी कारकुन के लिए एक बहुत अहम क्वालिटी है कि अगर वो खुश लिबास है तो ये उसकी डेली लाइफ में, उसकी रूटीन में बहुत चीज़ उसको हेल्प करेगी अपना एक अच्छा इमेज बिल्ड करने में। इस तरह से पॉइंट नंबर 6 में देखिए कि ताउन का जज्बा, एक जज्बा, एक कॉपरेट
का उसके अंदर जो है आंसर होना चाहिए, उसके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर ये जीर और जेस्ट होनी चाहिए कि जो भी नया बंदा भी उसके साथ आएगा ऑफिस में काम करने के लिए, या जो भी उसके पुराने मेंबर्स हैं, या जो जो भी आउटसाइडर्स हैं या इनसाइडर्स हैं, जो भी हैं उनके साथ, उसको चाहिए कि वो ताउन के साथ काम करे, कॉपरेशन के साथ काम करे, क्योंकि कॉपरेशन के बगैर, देखिए कोई भी काम जो है वो कॉपरेशन के बगैर नहीं होता। जितनी ज़्यादा आप अपनी अपनी तरफ से कॉपरेशन शो करेंगे, आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, उतना ही दूसरों के लिए काम करने में आसानी होगी, और ये ना सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल होगा बल्कि सब लोगों के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होगी कि जो दूसरे लोग भी हैं उनको जब एक ताउन का माहौल मिलेगा, एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट मिलेगा और एक कॉपरेशन का कॉपरेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वहाँ पे आमतौर पे काम करना सब लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है और बड़ा इजीली लोग ऐसे इदारों में काम करते हैं। और इस तरह के इदारों में लोग काम करना पसंद नहीं करते कि जहाँ पे कॉपरेशन ना हो, जहाँ पे किसी किस्म का कॉपरेटिव एनवायरनमेंट ना हो, तो ऐसी जगहों पर लोग आमतौर पर काम करना पसंद नहीं करते। क्योंकि देखिए अगर आपने समटाइम्स ऐसा होता है, आप कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट इदारों में काम कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स कभी आपको अंडर प्रेशर भी काम करना पड़ता है कि आपका वर्कलोड ज़्यादा होता है, वर्किंग आवर्स कम होते हैं और आपको उन्हीं आवर्स में अपने काम को मैनेज करना होता है और अपने वर्कलोड को पूरा करना होता है। तो देखिए आप अपने वर्कलोड को अंडर प्रेशर उसी टाइम पूरा कर सकेंगे जब आपके मेंबर्स के दरमियान आपका एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क होगा, आपकी एक अच्छी लीडरशिप होगी, एक कोऑपरेटिव माहौल होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपको आगे लेके जाने में और आपके आपके इदारे के और आपके अपने पर्सनल जो है एक गुडविल क्रिएशन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसी तरह से देखें पॉइंट नंबर 7 में उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया है पाबंदी वक्त के। एक अच्छा जो दफ्तरी कारकुन है वो पंक्चुअल होता है, उसको ये पता होता है कि मैंने अपनी प्रॉपर टाइमिंग को फॉलो करना है, मैंने जो भी मेरा टाइम है जिस टाइम पे भी मैंने मेरी मैंने आना है, मैंने प्रॉपरली उसी टाइम पे आके अपने काम को स्टार्ट करना है, और जो मेरा वाइंड अप टाइम है मैंने उसको कोशिश करनी है कि अपने उस ड्यूटी आवर के दौरान अपने काम को मैं वाइंड अप करूं और उसमें किसी किस्म की दिक्कत या किसी किस्म की मुश्किल या किसी किस्म की अगर हर्डल आती है तो वो उसको दूर करता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है और अपने काम उसको अपने काम पे तो वो फोकस करता ही है, लेकिन साथ साथ अपनी टाइमिंग पर भी फोकस करता है। उसको ये पता होता है कि मैं, क्योंकि वो एक पंक्चुअल बंदा होता है, वो अपना काम लेफ्ट ओवर नहीं छोड़ता और वो अपने मुकर्रा वक्त पे अपने काम को ख़त्म करता है और कोशिश करता है कि जितना टाइम उसको किसी काम के लिए दिया जाता है, जितना वर्कलोड उसको एक प्रॉपर टाइमिंग में दिया जाता है कि उसने उसको कवर करना है, तो वो कोशिश करता है कि वो उसको उतने ही टाइम में कवर करे। इसी तरह से देखें मुस्तकिल मिजाज के दफ्तरी कारकुन जो होता है वो मुस्तकिल मिजाज होता है, काम की ज्यादती भी हो तो फिर बाज़ दफ़ा वो उस चीज़ को बर्दाश्त करता है। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक्स्ट्रा वर्कलोड है, बाज़ औक़ात आपके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाता है, एक्स्ट्रा आपके ऊपर कोई इस किस्म के मसले मसाइल आ जाते हैं तो आप उसको बियर नहीं कर सकते। तो देखिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने कामों को अपने, अगर कभी आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें किसी किस्म की घबराहट आपको ना हो, बल्कि आप कंसिस्टेंसी के साथ और एक अच्छी सोच के साथ और प्रॉपर अपने जो है अपने आप को देखते हुए कि आपकी कितनी स्किल है और आप कितना उस चीज़ को कितने टाइम में आप उस चीज़ को कर सकते हो, तो अपने आप को आपने मुस्तकिल मिजाज रखना है, अपने अंदर कंसिस्टेंसी रखनी है और कोशिश करनी है कि अगर कभी आपको एक्स्ट्रा वर्कलोड बर्दाश्त करना पड़ जाता है तो आप उसको टॉलरेट करें और उसको अच्छे तरीके से टैकल करें, डील करें, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 9 में क्या चीज़ डिस्कस हुई है। पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने जहानत के बारे में बताया है कि दफ्तरी कारकुन को बहुत ज़्यादा जहीन होना चाहिए, उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से अपने काम को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड को मैनेज करना है। देखिए अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप सिर्फ हार्डवर्क करें तो उससे भी एक आपका जो गुजारा है वो मुश्किल हो जाता है। हार्डवर्क, अगर आप सिर्फ हार्डवर्क करें तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, लेकिन अगर आप हार्डवर्कर होने के साथ साथ जहीन भी हैं और आप आपके अंदर जहानत भी है, तो फिर आप अपने ज़्यादा वर्कलोड को कम टाइम में मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। आपका जो ज़्यादा वर्कलोड होता है उसको आप कम टाइम में मैनेज करने के लिए आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप डिफरेंट मशीन्स को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से उनका यूजेज हासिल कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं अपने काम को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने के लिए। तो हार्ड वर्कर तो होना ही चाहिए, मेहनती तो उसको होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक जहानत का आंसर, एक हार्ड वर्कर वर्किंग के साथ साथ एक इंटेलिजेंस का आंसर आपके अंदर लाजमी होना चाहिए एज अ ऑफिस वर्कर, एज अ दफ्तरी कारकुन, कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने, अगर मुझे अंडर प्रेशर काम करना पड़ रहा है या मेरे वर्किंग आवर्स कम है और वर्कलोड ज़्यादा है, तो फिर उसको पता होना चाहिए कि मैंने उसको मैनेज किस तरह करना है, ठीक है ना, और किस तरह से मैंने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। इसी तरह से देखिए पॉइंट नंबर 10 में उन्होंने हमारे साथ किस चीज़ को डिस्कस किया है। पॉइंट नंबर 10 में वो हमें बता रहा है कि फरमाबरदार यानी दफ्तरी कारकुन जो है उसको फरमाबरदार होना चाहिए, यानी उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने जो भी मेरा काम है
मैंने किस तरह से उसको मैनेज करना है और मैंने किस तरह से अपने काम को लेके चलना है और किस तरह से मैंने अपने मेरी जो मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट है जिसके अंडर के मैं काम कर रहा हूँ, जिसके अंडर मैं सारा कुछ अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने उनको ऑनर करना है, मैंने उनके ऑर्डर्स को ऑनर करना है। और आप में ये चीज़, क्योंकि देखिए आपका जो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हायर मैनेजमेंट है समटाइम वो किसी वजह से, लॉस की वजह से या किसी और मामला की वजह से डिस्टर्ब होती है, उनका मूड जो है वो किसी वजह से ख़राब होता है, तो फिर उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने कैसे मैनेज करना है उस चीज़ को। आपने अगर आपकी हायर मैनेजमेंट आपसे नाराज़ है या आपकी हायर मैनेजमेंट को आपसे किसी किस्म का कोई मसला है, कोई दिक्कत पेश आ रही है, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है, उस मामले को कैसे डील करना है। और ये डीलिंग तभी आसान होगी आपके लिए, ये डीलिंग तभी आपके लिए ईजी होगी जब आप फरमाबरदार होंगे, आप ताबेदार होंगे और आप जो है रिस्पेक्टफुल होंगे टुवर्ड्स योर हायर मैनेजमेंट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दफ्तरी कारकुन के उसाफ के लिए हवाले से। उसके बाद देखिए जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का आंसर अगर दफ्तरी कारकुन के दरमियान के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर ये बात पाई जाती है कि वो एक, उसको पता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे ऊपर है और मैंने वो लेनी है और मैंने उस चीज़ को फुलफ़िल करना है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि अगर बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझता है। देखें ये सिर्फ एक दफ्तरी कारकुन की बात अगर हम करें तो सिर्फ उसके हवाले से नहीं, एक किसी भी इंसान के हवाले से। आप अगर एक, आप एक इंसान हैं, आप, आपको पता है कि आपने जो है अपनी, आपके ऊपर वर्क लोड है और आपने उसको मैनेज करना है, और फिर जाहिर है अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आपके ऊपर और वर्क का प्रेशर आ जाएगा और काम का लोड आ जाएगा, तो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है कि आपने, आपने टूवर्ड्स अपने, अपने काम की तरफ आपने जिम्मेदारी शो करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है कि मेरा काम है और मैंने उसको करना है, मैंने उसको फिनिश करना है और मैंने कोशिश करनी है कि मैं उसको जल्दी जल्दी उस काम को फिनिश करूँ, उस काम को निपटाऊँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं उस काम को करूँ, सो दैट कि मेरे जो दूसरे फ़राइज़ हैं, मेरे जो दूसरे फंक्शंस हैं या मेरे जो दूसरे काम है उनमें किसी किस्म की दिक्कत या रुकावट पेश ना आए। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी से काम नहीं करते, लेफ्ट ओवर काम छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करते, तो ये भी आपके लिए ही एक बहुत बड़ा मसला होता है। क्योंकि देखिए आप जब तक अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से अंजाम नहीं देंगे, तो फिर ये आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपका काम टाइम पर ख़त्म नहीं होगा और फिर आप अपने बाकी अमूर की अंजामदही में कोताही कर जाएंगे और उनको आप परफॉर्म, दूसरे फंक्शन को आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से देखें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ यहाँ पर डिस्कस किया गया है दफ्तरी कारकुन के औसाफ में, वो हमें बताया गया है हाजिर दिमाग। के दफ्तरी कारकुन जो है वो विटिंग होना चाहिए, हाजिर दिमाग होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि, एब्सेंट माइंडेड वो नहीं होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने कोई काम करना है, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैंने उसको फौरन फौरन जो है अच्छे तरीके से, मैंने उसको दुरुस्त तरीके से सर अंजाम देना है और हर तरीके से मैंने गलतियों और कोताहियों से बचना है। क्योंकि अगर आप हाजिर दिमाग होकर काम नहीं करते, एब्सेंट माइंडेड होकर काम करते हैं, तो फिर आपको पता ही है ना कि कितना ज़्यादा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कितनी ज़्यादा आपको लॉस भी समटाइम्स बेयर करना पड़ सकता है कि आप जब अपना काम ही प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, उसको डील ही नहीं प्रॉपर तरीके से कर रहे, तो फिर आपको पता है कि कितनी ज़्यादा जो है मुश्किल आपको इसमें दिक्कत जो है वो पेश आ सकती है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए कि हाजिर दिमाग होना चाहिए। उसके बाद देखें रास्ट को, एक कि आपको दफ्तरी कारकुन को हमेशा झूठ से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि उसको सच बोलना चाहिए। जो भी कारोबारी मामलात हैं, जो भी कारोबारी लेन देन है, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि सच ही आप बोलें, क्योंकि सच बोलेंगे तो ही उसमें आपकी एक अच्छा तासुर जो है वो नेक्स्ट पर्सन पर पड़ेगा। अगर आप सच नहीं बोलेंगे, झूठ से काम लेंगे, फ्रॉड और धोखाधड़ी से काम लेंगे, तो फिर आपका, आपके जो बिजनेस की गुडविल है वो क्रिएट नहीं हो सकेगी, बल्कि आपका, आपके बिजनेस का नाम खराब होगा और साथ साथ आपका भी नाम खराब होगा। तो दफ्तरी कारकुन के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रास्ते को हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 में देखें कि लचक पजीरी, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने मैं अपने यानी अगर मुझे कभी मेरे ऊपर ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है और मुझे ज़्यादा वर्कलोड फेस करना पड़ रहा है, तो फिर आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर आपके समटाइम्स कभी वर्कलोड लाइट भी तो होता है ना, तो अगर कभी आपको हैवी वर्कलोड बर्दाश्त करना पड़ गया, तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको बियर करें और कोशिश करें कि अपना वर्कलोड अपने टाइमिंग पे पूरा करें। इसके बाद देखें कुव्वत फैसला, कुव्वत फैसला एक ये चीज़ होती है कि डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है और राइट चॉइस आपने लेनी है। क्योंकि आपका जितना कुव्वत फैसला स्ट्रांग होगी, जितना आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आप अपने बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में कुव्वत फैसला बहुत मैटर करती है। देखिए अगर आप सही टाइम पे सही फैसले ही नहीं ले रहे, तो आपके बिजनेस के लिए ये बहुत नुकसानदेह होंगे। हो सकता है आपको बहुत अच्छा एक चांस मिल रहा हो बिजनेस का, एक आपको बहुत अच्छा जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, और फिर आपकी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ना होने की वजह से आप वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर जाते हैं। तो ये चीज़ जो है आपने देखनी है कि आपके अंदर एक कुव्वत फैसला जो है वो होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 16 में देखें कि उन्होंने आपको बताया है कि दूरंदेश के जो भी
दफ्तरी कारकुन है उसको दूरंदेश होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने अपना काम जो है वो दूरंदेशी के साथ करना है, मैंने सोच समझ के काम करना है, मैंने सिर्फ आज का बेनिफिट नहीं देखना बल्कि मैंने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखना है कि लॉन्ग टर्म में मुझे क्या मेरी कंपनी को बेनिफिट्स हो रहे हैं या मुझे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो ये चीज़ उसको देखनी चाहिए। उसके बाद देखें जिस्मानी औसाफ के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले उन्होंने आपको बताया कि पुरवकार शख्सियत के उस बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो पुरवकार होनी चाहिए, और पुरवकार शख्सियत के लिए आपको पता है कि आपको इंतहाई साफ सुथरे लिबास का इहतमाम करना पड़ता है, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को अच्छा शो करना पड़ता है, आपको एक अच्छे तरीके से अपना एक अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी जो है वो पुरवकार होगी, एक अच्छी पर्सनालिटी के आप मालिक होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने बिजनेस का एक अच्छा इमेज जो है वो दूसरों पे शो करेंगे और दूसरों को बताएंगे। इस तरह से देखें कि नेक्स्ट पेज पे जो आपको बताया जा रहा है पेज 508 पेज पे, वो देखें कि उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ डिस्कस किया है तंदुरुस्ती, यानी कि जो दफ्तरी कारकुन है उसको तंदुरुस्त होना चाहिए, उसको हेल्दी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर वो अपनी सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं चलेगा और सेहत का ख्याल नहीं रखेगा तो वो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा। तो अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए, अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए अपनी सेहत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि अपने ओवर ईटिंग ना करें, लेट नाइट ईटिंग ना करें, और अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, क्योंकि जितना आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, जितना ही ज़्यादा आप अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने दूसरे काम भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक बीमार इंसान जो है, जो एक बीमार बंदा है, वो तो अपने कामों को उस तरह से सरंजाम नहीं दे पाता जितना एक हेल्दी बंदा अपने आप को कैरी ऑन करता है। इस तरह से देखें जिस्मानी तौर पर फिट होना चाहिए उसको, जिस्मानी तौर पर किसी किस्म का उसमें मसला नहीं होना चाहिए। इसी तरह से देखें इल्मी औसाफ़ का जिक्र आपके साथ किया गया है, तो इल्मी औसाफ़ में सबसे पहला जो उन्होंने आपको बताया है वो है दफ्तरी तरीक़ेकार से वाकफियत, कि ऑफिस का काम करना जो है वो उसको आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ऑफिस का काम जो है वो कैसे करते हैं, किस तरह से ऑफिस का काम किया जाता है, तो उससे वाकफियत उसको लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए पेशावराना तालीम, कि उस बंदे को ये पता होना चाहिए कि मैंने मेरे पास उसके पास नॉलेज इस हिसाब से, उसी आपके मुतलका काम के हिसाब से उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने ऑफिस का काम किस तरह से करना है और किस तरह से मैंने अपने ऑफिस के काम को मैनेज करना है और उसको प्रॉपर टाइम पे फिनिश करना है। इस तरह से देखें अमली तरबियत, के उसके पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने अपने काम को किस तरह से अपने फ़न को यूज़ करके, इस्तेमाल करके किस तरह से उसको जल्दी से जल्दी उस काम को ख़त्म कर सकता हूँ। इस तरह से देखें जदीद, लास्ट पॉइंट में आपको उन्होंने बताया है कि जदीद मशीनों से वाकफियत, के जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, सो दैट कि आप अपने काम को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में फिनिश करें। दिस इज़ For today, inshallah, in the next lecture, we will discuss the next topic. Thank you. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।